हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको टॉस की जो वैल्यू होती है, टॉस का जो सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है 10th क्लास का और इंटरमीडिएट का, इससे आपको क्या बेनिफिट होता है, टॉस की सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या होती है, टॉस से अगर आप स्टडी करेंगे 10th क्लास या इंटरमीडिएट का या अपोस से करेंगे या नियोस से करेंगे तो आपकी आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा। काफी सारे ऐसे रूमर्स है, काफी ऐसे सारे फेक इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे देते हैं कि अगर आप तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी से पढ़ लेंगे, अगर आप टॉस से पढ़ लेंगे, डिस्टेंस से पढ़ लेंगे अपनी डिग्री, कोई भी डिग्री यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से या महात्मा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से या प्रोफेसर जी राम रेड्डी सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन से, तो आपकी वैल्यू नहीं रहेगी, आप बाहर नहीं जा सकते, आपको जॉब नहीं मिलता। ये बहुत ज़्यादा र्यूमर्स फेक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे आपके माइंड में फंसी हुई है, आप लोगों को जो है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देके आप लोगों का कैरियर के साथ, आप लोगों के जो बिहेवियर होता है, आपकी जो थिंकिंग होती है उसके साथ जो है यहाँ पे रॉन्ग किया जा रहा है, यहाँ पे आपके साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी जो है वो स्टेट की, तेलंगाना स्टेट के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उन सभी स्टूडेंट्स जो है तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी से एडमिशन ले सकते हैं। वैसे ही आंध्र प्रदेश ओपन स्कूल सोसाइटी भी जो है यहाँ पे फॉर्म किया है गवर्नमेंट ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, जो भी आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उन सभी को स्टेट का सिलेबस आता है टॉस के स्टूडेंट्स के लिए। वैसे ही तेलंगाना के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको भी स्टेट का सिलेबस आता है, ये गवर्नमेंट सिलेबस होता है यानी कि स्टेट का सिलेबस है। वैसे ही अगर नियोस की बात करेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग सोसाइटी, ये सेंट्रल लेवल का सिलेबस होता है, ये सेंट्रल लेवल का सिलेबस है और यहाँ पे सीबीएसई का जो है सिलेबस आप लोगों को आता है। काफ़ी स्टूडेंट्स जो है फॉरेन में जाने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं फॉरेन में जाने के लिए, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए नियोस का सीबीएसई सिलेबस बहुत जो है हेल्प करता है आप लोगों को बाहर के लिए सर्टिफिकेट्स के लिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप अपना इंटरमीडिएट जो है टॉस से कंप्लीट करेंगे या अपोस से कंप्लीट करेंगे तो आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज को अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज कनाडा के होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज ऑस्ट्रेलिया के होते हैं, वो यूनिवर्सिटीज जो है ओपन डिस्टेंस डिग्री वालों को एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ यूनिवर्सिटीज वाले, बाकी के जितने भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज जो है हर कोई एक्सेप्ट करता है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। आपको अच्छी तरीके से वीडियो में बता दे रहा हूं कि आप लोग समझ जाइए, ये रेगुलर का सर्टिफिकेट है 10th का, इंटरमीडिएट का, डिग्री का, और ये सर्टिफिकेट है टॉस का, 10th का, इंटर का, डिग्री का, दोनों की वैल्यू बराबर होती है, दोनों का जो वैल्यू है, दोनों की जो एलिजिबिलिटी होती है, दोनों भी इक्विवेलेंट माना जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। कोई भी नहीं, ये टॉस के स्टूडेंट है, इनो अगर 10th क्लास के बाद कहीं अप्लाई करे तो इनका जॉब मिल जाता है, इनो रेगुलर के 10th के बाद कहीं अप्लाई करे गवर्नमेंट जॉब में इनका भी जो है एलिजिबल हो जाता है, इनका भी एलिजिबल हो जाता है। इंटरमीडिएट इनो रेगुलर से पढ़े, टॉप मार्क्स है तो भी एलिजिबल है। टॉस के स्टूडेंट है, इंटरमीडिएट में सिर्फ पासिंग मार्क्स है या एलिजिबल टॉप मार्क्स है, इनको भी गवर्नमेंट सेक्टर में चले आ सकते हैं, प्राइवेट में भी कहीं भी जा सकते हैं, कौन सा भी कोर्सेज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये डिग्री के स्टूडेंट है, टॉस के ओपन डिस्टेंस से कंप्लीट करे, घर बैठे पढ़ के कंप्लीट करे, ये स्टूडेंट डेली जाके डिग्री कंप्लीट करे है तो भी इन्हों एलिजिबल है गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स में, गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब्स में और प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स में, एमएनसी के जॉब्स में। और ये स्टूडेंट टॉस के अगर डिग्री ओपन से करे तो इन लोग भी एलिजिबल है एमएनसी कंपनीज के लिए, नॉर्मल जॉब्स के लिए, बाहर जॉब्स, गल्फ जॉब्स के लिए, ठीक है। तो कहीं पर भी रहें दो, यहाँ पे इंडिया में रहें दो, हैदराबाद में रहें दो या फॉरेन में रहें दो, टॉस के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है, इन लोग भी आगे जाके स्टडी कर सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में जो है टॉस के स्टूडेंट में और रेगुलर के स्टूडेंट में सिर्फ नॉलेज का डिफरेंस होता है। इन दोनों के अंदर अगर हम बात करेंगे सब्जेक्ट का ग्रिप जिसको बोलते हैं, सब्जेक्ट की जो डिटेल नॉलेज जो होती है वो टॉस के स्टूडेंट्स पर लैक होती है, टॉस के स्टूडेंट के पर नहीं होती है, नॉलेज नहीं रहती है उनके पास, सब्जेक्ट के नॉलेज नहीं रहती है क्योंकि उनको डेली क्लासेस नहीं होते, डेली उनको स्टडी नहीं की जाती है। टॉस का मतलब ही ओपन डिस्टेंस है, घर बैठे आपको लर्न करना है जॉब के साथ या कोई और काम के साथ, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है टॉस के स्टूडेंट्स को ये हेल्प दिया है, ये सहूलत दी है कि अगर आप रेगुलर फीस देके नहीं पढ़ सकते, रेगुलर जाके आप स्टडी नहीं कर सकते, तो आप अपनी जॉब के साथ, दूसरे कामों के साथ आप स्टडी करके अपनी ग्रेजुएशन, अपनी 10th, इंटर, टॉस के जरिए, ओपन डिस्टेंस के जरिए आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोनों का वैल्यू बराबर।